ज्ञान मोती ग्रुप की एक नई प्रस्तुति। बाबा ने कहा, सदैव अपने को चेक करो कि ब्राह्मण जीवन को निभा रहे हैं। ब्राह्मणपन का पहला लक्षण क्या है? और संग तोड़ एक संग जोड़ना, अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। लेकिन ब्राह्मण बनकर भी कुछ बच्चे ऐसे शब्द बोलते हैं जो एक सच्चा ब्राह्मण नहीं बोल सकता। जैसे कहते हैं, बाप की याद का अनुभव नहीं होता, बाप द्वारा कोई प्राप्ति नहीं हुई। कई कहते हैं, निरंतर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता, वो खुशी नहीं मिली। फिर कहते हैं, मुझे व्यर्थ संकल्प आते हैं, पुराने स्वभाव संस्कार अपने वशीभूत बना लेते हैं। अब विचार करो, क्या यह बोल एक सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण के हो सकते हैं? ऐसे ब्राह्मणों को नामधारी ब्राह्मण कहेंगे। कर्तव्य है प्रकृति को परिवर्तन करने का, और उसके बजाय खुद ही प्रकृति के वश हो गए। ये तो ऐसे हो गया जैसे कोई डॉक्टर रोगी को बचाने गया, लेकिन स्वयं ही रोगी बन गया। फिर बाबा ने कहा, सभी जन्मों में यह एक ब्राह्मण जन्म ऐसा है जो डायरेक्ट परमपिता परमात्मा द्वारा होता है। तो जो बाप के गुण, वही ब्राह्मण आत्माओं के गुण होने चाहिए। ब्राह्मण बने और ब्राह्मण जीवन की विशेषता का अनुभव नहीं किया तो ब्राह्मण बनकर किया क्या? हीरा भी हाथ में मिला और उसको पत्थर समझ उसका मूल्य नहीं समझा, ऐसे को क्या कहेंगे? तो ब्राह्मण जन्म के मूल्य को जानो, ये साधारण बात नहीं है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।